हाय एवरीवन, मेरा नाम है आशुतोष यादव और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ थार का एलेक्स वेरिएंट। अब ये जो एलेक्स वेरिएंट है इसमें कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ें आती हैं जो मुझे आपको बतानी थी काफ़ी टाइम से। पीछे वाली सीट का कैसा कंफर्ट है और पीछे वाली सीट में एंटर कैसे करते हैं, एक तो मैं आपको वो चीज़ बताऊँगा। दूसरी चीज़ कि इसमें जो हार्ड रूफ है और इसमें ऊपर की साइड जो स्पीकर की प्लेसमेंट है वो आपको दिखाऊँगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो उसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, कैसा टॉक डिलीवर होता है, क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर्स दिए गए हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लास्ट टाइम मैंने ना इसका जो छोटा वाला गियर लीवर है उस लीवर के बारे में अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, उस लीवर के बारे में भी आपको समझाऊंगा। थार पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अलग हो चुकी है अगर आप लुक्स के बारे में बात करें। और अगर फ्रंट लुक्स की बात करें तो कुछ ऐसे लुक्स हैं और फ्रंट प्रोफाइल ऑलमोस्ट पहले से बिल्कुल अलग हो गया है। लोग इसे जीप रेंगलर से कंपेयर कर रहे हैं, बट आप एक चीज़ समझिए कि जीप रेंगलर एक 80 लाख से ऊपर की गाड़ी है और ये जो आपको गाड़ी मिलती है ये सिर्फ अंडर 20 लैक्स मिल जाती है, तो ये आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। बट हाँ, लुक्स ऑलमोस्ट आपको जीप रेंगलर जैसे ही मिल जाते हैं। यहाँ पे फ्रंट में आपको प्रॉपर एलईडी हेडलैम्प एलईडी आपको डीएलएस मिल जाएंगे। और ये जो चीज़ है यहाँ से ना आप डैश ये इसका जो फ्रंट वाला बोनेट है वो खोलते हो, अंदर से पहले आपको खोलना पड़ेगा और फिर इसका ये गिमिक फील देते हैं, फिर इन्हें हुक्स को निकालना है और उसके बाद आपको ये चीज़ दोबारा से करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ आप याद रखिए जब भी आपको इसका बोनट खोलना है। दूसरी चीज़, आपको साइड से ना एंटीना मिलता है, एंटीना की प्लेसमेंट आप देख लो, ये ऑलमोस्ट सिमिलर टू जीप रेंगलर है। साइड से आपको एमहॉक 130 की बैजिंग मिलती है, एमहॉक इसके डीजल इंजन का नाम है और 130 का मतलब है कि इसमें 130 bhp की पावर आती है। ये जो आप व्हील देख रहे हो ये 18 इंच का लगा हुआ है। इसके जो मैंने आपको एक वेरिएंट दिखाया था उसमें आपको बताया था कि इसमें 16 इंच का आता है, बट ये जो टॉप वेरिएंट है इसमें आपको 18 इंच का व्हील मिलता है और इसका जो प्रोफाइल है 255/65R18 है। तो आप ये चीज़ ख्याल रखिए। और हाँ, एक और चीज़ आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, वो ये कि जो नई MG ग्लॉस्टर आ रही है उस MG ग्लॉस्टर में 255/55R19 का व्हील साइज लगा हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि साइज़ सेम है, बस प्रोफाइल ऊपर नीचे थोड़ी सी हो गई है। अंदर की साइड लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या है और क्या नहीं है। सो इन केस जब आप अंदर मूव करते हो ना तो ये आ गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको अंदर कैसे जाना है। अब अंदर जब भी आपको जाना है तो यहाँ पे एक ये जो चीज़ है इसे आगे करना है। तो पहले आगे नहीं करना है, पहले ये चीज़ आगे करनी है। यहाँ से सीट मैंने आगे कर दी, ठीक है जी। सीट आगे करने के बाद आप इसे दबाएंगे, ये जो लीवर है इसे पुल करेंगे और फिर आराम से अंदर बैठ जाएंगे। मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ, इसे पकड़ो भैया। ये मैं गया अंदर सीधा। अब आप देख सकते हो कि मैं आराम से अंदर चला गया हूँ, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। बाहर आके दिखाता हूँ, ये आया मैं बाहर, ये आ गया, ये मैंने लॉक किया सीट। जब भी आपको अंदर जाना है भैया इधर लेके आओ थोड़ा, यहाँ पे एक लीवर है इसे पुल करोगे, ये आगे आया और अब मैं आराम से अंदर चला जाऊँगा। अंदर कुछ ऐसा फील है, अच्छा खासा लेग रूम मिल जाता है, दिखाएंगे प्लीज, अच्छा खासा लेग रूम मिल जाता है। और यहाँ पे ना अगर आप सीटें पीछे करोगे तो 3 किलो के लिए हुक दिया गया है प्रॉपर। ऊपर की साइड आपको स्पीकर्स मिलते हैं, ये 4 स्पीकर हैं, इसमें 2 स्पीकर और 2 ट्विटर दिए गए हैं। नीचे की साइड आप देख पाएंगे ये जो एरिया है ये स्पीकर्स नहीं है, ये डमी है यहाँ पे, लेकिन आप स्पीकर्स लगवा सकते हैं, अप टू यू। इसके अलावा पीछे की साइड आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। और पीछे वाली जो सीट है, ये जो सीट है इसमें आपको प्रॉपर सीट होल्डर्स भी आते हैं। इस चीज़ से आप सीट की ये आप रिक्लाइन डिक्लाइन कर सकते हैं, ये देखिए मैंने डिक्लाइन कर दिया है और इसे मैं पकड़ूंगा, ये देखिए ये जो सीट है ये रिक्लाइन डिक्लाइन हो जाती है। यहाँ पे एक लीवर दिया गया है, प्रॉपर बेल्ट दी गई है इस चीज़ से। इसके जो ये हेड रेस्ट हैं ये भी एडजस्टेबल हैं, आप इन्हें ऊपर नीचे प्रॉपर कर सकते हैं। सीट बेल्ट की प्लेसमेंट आप देख लीजिए, ये प्लेसमेंट है, ग्रैब हैंडल मिल जाएगा। और क्या मिलेगा फ्रंट में मैं आपको वो दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए फ्रंट की कुछ ऐसी लुक है। ये इसका ट्रांसफ़र केस है जो मैं आपको बता रहा था, गियर लीवर, ये इसका ट्रांसफ़र केस है। लास्ट वाले जो रेड कलर की थार दिखाई थी उसमें एक मेरे से गलती हो गई थी, वो ये कि इसमें 2H, 4L, N और 4L ये मैंने गलत बता दिया था। तो अगर इसमें बताऊँ तो इसमें जो 2H का काम होता है दैट मीन्स कि आपका 2-व्हील ड्राइव पीछे वाले पहियों पर ताकत आ जाएगी। आपने 4S लगा दिया तो 4x4 मतलब चारों पहियों पे ताकत आ गई, ठीक है। आपने न्यूट्रल कर दिया तो न्यूट्रल का मतलब है कि कोई भी गियर एंगेज होगा ही नहीं, आप कोई भी गियर डालोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ गाड़ी चलेगी ही नहीं। और 4L का मतलब है जब आप
आपको ट्रैक्शन अच्छा चाहिए और आप दलदल वाली जगह ऑफरोडिंग कर रहे हैं उस सिचुएशन में आपको काम आता है। यहाँ पे बीच में आपको ये 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा, यूएसबी का पोर्ट मिल जाएगा और प्रॉपर आप यूएसबी लगा सकते हैं, चार्जिंग का केबल और एक ऑक्स का केबल। ये आपको प्रॉपर मस्टैंग की फील देते हैं। आप अगर इसे नीचे कर देंगे प्रॉपर इसके चारों इंडिकेटर्स जल जाएंगे। आप देख सकते हैं चारों इंडिकेटर्स इसके चल गए हैं और यहाँ से मैंने ये नीचे किया, चारों इंडिकेटर्स इसके बंद हो चुके हैं। इसके अलावा ये जो आपको IRBM मिलता है ये ऑटोमेटिक नहीं है, ये मैनुअल ही है। महिंद्रा थार की वारंटीज़ के बारे में बात करें तो इसमें 3 साल 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी आपको मिल जाती है और 3 साल का रोड साइड असिस्टेंस भी आपको महिंद्रा देता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए जब भी आप गाड़ी ले रहे हैं। सो इन केस अगर कभी कोई मिसहैप हो जाती है तो आप सिचुएशन में महिंद्रा को कॉल कर सकते हैं और रोड साइड असिस्टेंस महिंद्रा आपको प्रोवाइड करा देगा। और साथ ही साथ जो इसकी वारंटी है आप उसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिए। अब मैं आपको लेके चलता हूँ पीछे की साइड। अब पीछे की साइड बहुत यूनिक है। एक तो पहली चीज़ आप ये नोटिस कीजिए कि इसमें जो व्हील साइज है वो 18 इंच का मिलता है, 255/65/18 का साइज़ लगा हुआ है। और अगर आपको इसे खोलना है, आपने यहाँ से इसे खोलना है, ये इसका प्रॉपर ओपनिंग है, ठीक है। नीचे आपको सेंसर्स की प्लेसमेंट मिलती है, ये सेंसर्स लगे हुए हैं। यहाँ भी आपको प्रॉपर लाइट मिल जाती है। और अगर आपको ये ग्लास खोलना है, ये वाला जो ग्लास है, तो आपको ये नॉर्मली ऊपर कर देना है और ये जैसे मैंने ऊपर किया खुल गया ऑटोमेटिक। ये वाली जो सीट है पीछे वाली, आप इन्हें ना आगे की साइड भी गिरा सकते हैं। सो ये जो प्रॉपर बेल्ट दी गई है आप इसे खींच दीजिए और ये सीट जो है ऑटोमेटिक आगे चली जाएगी, देख लीजिए। तो अच्छा खासा बूट बन जाता है, आप देख सकते हैं अच्छा खासा बूट बन जाता है और आप आराम से यहाँ पे सामान रख सकते हैं। इसका जो थार का जो जैक आता है वो नीचे की साइड आता है, तो जो नीचे जैक आता है वो आपको यहाँ से खोलना पड़ेगा। ये मैंने खोला, और ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे इसका जैक आता है। तो ये चीज़ आप हमेशा ख्याल रखिए कि कहाँ पे जैक है कहाँ पे नहीं। आप थार में एक और अच्छी चीज़ कर सकते हैं, सो फॉर लेट्स से पीछे कोई बैठा हुआ है और आपने पीछे वाली सीट निकाली हुई है, आप गद्दा वद्दा डाल के आप बाहर ऑफ रोडिंग पे गए हैं, तो आप ये शीशा खोल के आराम से चल सकते हैं। या फिर आप किसी गाड़ी का शूट कर रहे हैं, कोई वीडियो वगैरह शूट करना है, तो पीछे वाला शीशा खोल दीजिए और आराम से आप शूट कर सकते हैं। साइड प्रोफाइल में आपको 4x4 की बैजिंग मिल जाएगी। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका मीटर। इसके ORBM जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये अंदर से कंट्रोल हो जाते हैं, अंदर से एडजस्ट हो जाते हैं, ये ORBM के कंट्रोल्स हैं। यहाँ पे कुछ स्विच दिए गए हैं, ये इसके MID डिस्प्ले जो आता है, यहाँ पे जो MID डिस्प्ले है, यहाँ पे MID डिस्प्ले पे दिखा देगा कि गेट खुला है नहीं खुला है। और MID डिस्प्ले के ये कंट्रोल्स हैं, ये वाले जो है, यहाँ पे हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, इसके स्विच हैं, यहाँ से आप MID कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से ये बैक जाने का बटन है। यहाँ पे स्टीयरिंग आपको मैं दिखाता हूँ, स्टीयरिंग पे आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है, यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। वॉइस कमांड भी इसमें दिया गया है, इस चीज़ का ख्याल रखिए, कॉल वगैरह पिक कर सकते हैं, यहाँ से म्यूट कर सकते हैं। म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स भी दिए गए हैं और यहाँ पे आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और अब मैं आपको सेपरेटली दिखाता हूँ कि थार का म्यूजिक सिस्टम जो है उसमें क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर्स आते हैं। कि टॉप मॉडल में आपको लंबर सपोर्ट भी मिलता है, लंबर सपोर्ट और दोनों सीटों में मिलेगा। ये दोनों सीटें हैं इनमें लंबर सपोर्ट है और ये जो आप रोटेटर देख रहे हैं इससे लंबर सपोर्ट आपको मिल जाता है। यहाँ पे प्रॉपर LED लाइट मिलती है, इट्स नॉट अ हैलोजन और समथिंग। और अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का मीटर। ये मैंने ऑन की गाड़ी, ये देखिए गाड़ी ऑन किया। और कुछ लोग पूछ रहे थे कमेंट बॉक्स में कि यार इसका AC का फ्लो कैसा है, तो AC का फ्लो बता दूँ बहुत ही तगड़ा है। बियर सीट बेल्ट, अब मैं यहाँ से कंट्रोल करूँगा, देखते रहिए। ये देखिए ये आ गया, ठीक है। इसके बाद ये दूसरी चीज़ चेक डायरेक्शन। अच्छा, आपके स्टीयरिंग किस डायरेक्शन में मुड़िए, देखिए 10% दिखा रहा है ना, ये 10 डिग्री, ये देखिए 10 डिग्री। अब स्टीयरिंग अगर मैंने टेढ़ा किया हुआ है तो ये स्टीयरिंग भी दिखाएगा कि इस साइड मुड़ा हुआ है। और इसके आगे फिर गेट खुला हुआ है ये दिखा देगा, और इसके आगे ये दिखा देगा कि इसमें कौन सा ट्रांसफ़र केस एंगेज है, ये भी दिखा देगा। ऑडोमीटर की रीडिंग है, टॉप स्पीड दिखा रहा है। और फिर यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें आई, मैंने आपको बता दिया 4H है, 4 लो है, ड्राइवर टायर की डायरेक्शन। अब यहाँ की बात करते हैं, ये जो हमारा होम बटन है, अब होम बटन पे आने के बाद ये जो आप देख रहे हो ना, अब यहाँ पे सबसे पहले मीडिया है, मीडिया आपको फ़ोन कनेक्ट करना पड़ेगा। इसमें एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो भी आता है, आप यहाँ से रेडियो चला सकते हो। एडवेंचर स्टैटिक्स पे जाते हैं, ये मैंने एडवेंचर स्टैटिक्स खोला,
और उसमें ऑन रोड मैंने खोला। अब ऑन रोड पे आप एक चीज देखोगे यहाँ पे कितनी पावर है, कितना टॉर्क गाड़ी डिलीवर कर रही है, पीछे बैठा हुआ बंदा भी स्पीड इसकी देख पाए, या फिर कई बार होता है कि आपकी नज़र इस MID डिस्प्ले पे नहीं होती है तो आप यहाँ पे भी स्पीड चेक कर सकते हो। ये इवन बड़ी गाड़ियों में वो फीचर मिलता है, वो आपको इस चीज में यहाँ पे ये फीचर मिल रहा है। जी फोर्स कितना लग रहा है, जी मॉनिटर दिया गया है। कंपास मतलब आप किस डायरेक्शन में हो, ये भी प्रॉपर दिखाया गया है। आप ऑफ रोड पे क्लिक करते हो, अब ऑफ रोड पे दिखा रहा है कि कितने पानी में है गाड़ी, कितने पानी में नहीं है। हाँ, अब इसकी एक और चीज मैं आपको बता दूं कि इस गाड़ी की वाटर वेडिंग कैपेसिटी 620 mm की है। तो प्लीज अगर मैं गलत हूं तो प्लीज कमेंट कर दीजिए, बिकॉज आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली व्हाट इज द वाटर कैपेसिटी, व्हाट इज द वाटर वेडिंग कैपेसिटी ऑफ दिस ऑल न्यू Mahindra Thar। तो आप समझ जाइए लगभग 600 से ज्यादा है। इवन मतलब डिस्कवरी हो गया और मैं बोलूंगा रेंज रोवर इवोक हो गया, उनसे भी मतलब उस रेंज की गाड़ियों के टक्कर इस गाड़ी की वाटर वेडिंग कैपेसिटी है। यहाँ पे दिखा देगा सारी चीजें, यहाँ पे हीट दिखा देगा, गाड़ी कितनी हीट है कितनी नहीं है, यहाँ पे आपको ट्रांसफर केस दिखा देगा, यहाँ पे गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी है। ये देखो, ये अगर गाड़ी न्यूट्रल में है तो ये न्यूट्रल शो कर रहा है, ठीक है। अभी अगर मैंने गियर में डाल दिया, ये देखो, ये मैंने गाड़ी गियर में पुश करी और ये यहाँ से न्यूट्रल अभी गायब हो जाएगा, ये देखो न्यूट्रल गायब हो गया। तो ये चीज है, आप इसे ना कस्टम भी कर सकते हो। आपने यहाँ पे क्लिक किया, आप इसे कस्टम भी कर सकते हो कि अगर आपको यहाँ पे कुछ और चाहिए, आप यहाँ पे सेटिंग पे गए, आपको क्या क्या चीजें चाहिए, आप यहाँ से सारी चीजें अलग कर सकते हो। व्हील एंगल आ जाएगा, रोल आ जाएगा, इंजन टेम्परेचर आ जाएगा, पावर आ जाएगा, तो आप यहाँ से ये सारी चीजें चेंजेस कर सकते हो। ये इस नई थार में फीचर दिया गया है। अब फिर होम पे चलते हैं। एडवेंचर मैंने आपको बता दिया, एंड्रॉयड ऑटो है, एप्पल कारप्ले है, अभी इसमें अवेलेबल नहीं होगा। अब इसके अलावा और क्या मिलता है, रेडियो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे ये जो चीज है, यहाँ से आप टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इस गाड़ी में आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिलता है। अब टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम काम कैसे करता है, सो इन केस अगर किसी पहिए में हवा कम है या कोई पंचर हो गया है, यू विल गेट टू नो एग्जैक्टली कि अंदर बैठे बैठे गाड़ी के कि यार इस पहिए में हवा कम है, मुझे भरवा लेनी चाहिए या नहीं भरवानी चाहिए। इंडिकेटर पहले ही शो कर देगा, अच्छी गाड़ियों में आता है ये। सिर्फ आप ये मान लो कि 17 लाख तक की गाड़ी में अगर ये फीचर आ रहा है तो बड़ी बात है अपने आप में ये। इसके अलावा फिर एडवेंचर कंट्रोल, इसका प्रॉपर ऐप आता है, आप इस गाड़ी को ऑटोमेटिक कनेक्ट कर सकते हो। और Mahindra बहुत सारे ऐसे एडवेंचरस इवेंट्स कराता रहता है जिनसे आप जुड़ सकते हो। इको सेंस पे हम क्लिक करते हैं, इको सेंस पे क्लिक किया तो यहाँ से आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सारे अपडेट्स भी आप यहाँ से ऑटोमेटिक ले सकते हो और आप बता सकते हो कि मैंने क्या गाड़ी चलाई, कितने दूरी तक चलाई, ये चीज़ आप शेयर कर सकते हो। ये मैं बैक गया, अलर्ट्स पे आया, अलर्ट्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। DRL आ गया, तो DRL में सेट डे टाइम रनिंग लैम्प इसमें ऑन है, तो आपके अकॉर्डिंग ये चीज सेट हो जाएगी। आप अगर ऑफ करना चाहें तो इसे ऑफ भी कर सकते हैं, ये ऑफ हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा। फ्यूल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि गाड़ी अभी कितना चल जाएगी, अभी गाड़ी कितना माइलेज दे रही है, 15.4 किलोमीटर पर लीटर। यार आप एक चीज सोचो कि एक ऑफ रोडिंग व्हीकल, मतलब जो प्रॉपर सीडो SUVs को पीछे छोड़ देता है, कॉम्पैक्ट SUVs को पीछे छोड़ देता है, जो प्रॉपर ऑफ रोडिंग के लिए बना है और लाइफ स्टाइल के लिए भी एक वेरियंट इन्होंने दिया है, और उस सेगमेंट की ये गाड़ी 15.4 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज निकाल दिया, तो इट्स नॉट अ बैड डील। यहाँ पे डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखा देगा, सर्विस इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि कब सर्विस होनी है कब नहीं, तो काफी एडवांस है पहले के कंपैरिजन में। ये जो आप स्टार बटन देख रहे हो, स्टार बटन पे आप ना कोई भी एक नया फीचर सेट कर सकते हो, सो दैट आपको अगर कोई भी क्विक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस स्टार बटन से पा सकते हो। ये यहाँ से आप अगर इसे दबा के रखोगे तो ये डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा, डिस्प्ले ऑफ हो गया बट म्यूजिक चलता रहेगा। सो लेट्स से कि अगर कार का एप्पल कार प्ले या एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट है बट स्टिल अगर आप ये चीज बंद करना चाहते हो, ऑफ करना चाहते हो और रात में आप गाड़ी चला रहे हो, इसकी लाइट आपके ऊपर आ रही है, तो आप इसे दबा के रखोगे इस वाले बटन को, ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसे दबा के रखूंगा तो ये ऑन हो जाएगा, ये मैंने ऑन किया। इसके अलावा ये इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन का है, कार इन्फॉर्मेशन यहाँ से आ जाती है, यहाँ से ऑन ऑफ हो जाता है। तो ये था एक बेसिक सा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सारी चीज़ें कर दीजिए। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर गाड़ी की डिलीवरी वगैरह लेना चाहते हैं या गाड़ी इन Mahindra से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आपकी, तो कॉन्सेप्ट Mahindra यहाँ पे गुड़गांव में इनके 2 शोरूम है, आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ के जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर हैं, यहाँ की जो एड्रेसेस वगैरह हैं, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के दे रहा हूँ, आप प्लीज़ वहाँ पे कॉन्टैक्ट कीजिए और फॉर श्योर आपको एक बेटर डील मिल ही जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।